हेलो दोस्तों, एक बार वापस स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सैम सपोर्ट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में, जिसमें कि आज अगर इस वीडियो में मैं बात करूँगा तो केवल ट्विटर के बारे में बात करूँगा। मोस्टली होता क्या है कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं वह हमारे लिए प्राइवेसी के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो हमारे फेसबुक अकाउंट से कभी हैक ना हो, क्योंकि फेसबुक अगर अकाउंट हैक होता है कोई किसी को कुछ भी मैसेज कर सकता है, उसी तरह से अगर हमारा ट्विटर अकाउंट हैक होता है तो उस पर कुछ गलत ट्वीट भी कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा इंस्टाग्राम होता है कि अगर वो हैक होता है तो कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपको, जो अगर आप अपने ट्विटर में अगर अप्लाई करोगे तो जो थर्ड पार्टी के एप्लीकेशंस होते हैं वह आपके डेटा चुरा नहीं पाएंगे, जिससे आपके डेटा सुरक्षित हो सकते हैं। होता क्या है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे नए नए एप्लीकेशंस निकलते हैं जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं कि कोई वेब पोर्टल होता है वहाँ पर हम लोग लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद क्या होता है कि वो हमें ट्विटर से लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ऑथराइज़ करने के लिए। हम लोग जैसे ऑथराइज़ करते हैं, उसको अथॉरिटी देते हैं कि वो हमारा ट्विटर यूज़ करें, वो बंदा पूरा हमारा ट्विटर का जितने भी जो मेन प्राइवेसी वाले चीज़ होते हैं उसके लिए अलाउ कराता है। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जाने अनजाने में हम लोग ने ऑथराइज़ करके रखा है। अब इसका फ़ायदा क्या है और घाटा क्या है? देखो, फ़ायदा ये होता है कि उस समय हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाते हैं, और घाटा ये है कि अगर उसको हम लोग वापस उसको अपने अब जो एप्लीकेशन है यानी कि ट्विटर से निकालते नहीं या फेसबुक से निकालते नहीं है तो उस बंदे के पास एक राइट्स होता है, उस बंदे के पास एक चांस होता है कि वो आपके डेटा चुरा ले, या तो आपके ट्वीट की जो ट्वीट है उसके बारे में जाने, आपकी जो फोटो है उसको एसेस कर पाए। क्योंकि जो अगर हम किसी ऐप को ऑथराइज करते हैं या ऑथराइज देते हैं तो वहाँ पे वो हमसे राइट्स मांगता है कि मैं आपके फ़ोटो को देख सकूँ, आपके वीडियो को देख सकूँ, आपके ट्वीट को पढ़ सकूँ। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए जो थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन हैं उनके जो एसेस होते हैं उनको रिवोक करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाने अनजाने में अपना बहुत सारे डेटा और बहुत सारे प्राइवेसी को आप ऐसे ही किसी और के हाथों फ्री में दे रहे हो। तो यह कुछ सेटिंग्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने अपने ट्विटर में नहीं किया या तो आपने अपने कभी तक चेक नहीं किया तो प्लीज़ जाओ अपने ट्विटर में इसको चेक करो। अगर यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन में आपने अपने ट्विटर अकाउंट को ऑथराइज करके रखा है तो प्लीज़ इसको रिमूव कर दो ताकि आपकी प्राइवेसी बनी रहे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस प्रकार से और कई जगह पे कितने जगह पे हमारा अकाउंट लॉगिन है और कहाँ कहाँ पे ये हमारा अकाउंट यूज़ हो रहा है। अगर आपके मोबाइल को छोड़ के कहीं और आपका ट्विटर अकाउंट लॉगिन है तो उसको कैसे अपने मोबाइल से उसको निकाल सकते हो ताकि आपका अकाउंट केवल आप यूज़ कर पाओ कि कोई और ना यूज़ कर पाए। तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे अपने मोबाइल के डिस्प्ले में। तो चलिए मोबाइल के डिस्प्ले में जाके वहीं पे बात करते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन होते हैं उनका एसेस को रिवोक करें और कैसे अपना कोई जो हमारा मोबाइल है हमारा अकाउंट केवल अपने मोबाइल में ही बना के रखें, बाकी जगह से वहाँ का एसेस निकालें। तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कैसे यहाँ से निकालें। तो चलिए मैं अपना खोल लेता हूँ ट्विटर। यहाँ पे मैं अपना ट्विटर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, मैं स्टार्ट से कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा जैसे आप ट्विटर ओपन करोगे। उसके बाद हमको जाना पड़ेगा अपने प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद नीचे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर हमको होगा करना पड़ेगा क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको सबसे फर्स्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे खुल के यह आ गया जो मेनू है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा एंड परमिशन के यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा योर ट्विटर डेटा एंड उसके बाद है एप्स एंड सेशन लॉगआउट के ऊपर। तो हमको एप्स एंड सेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं ऐप और सेशन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो ऐप्स हैं यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे ऐप हैं जहाँ पे मैंने लॉगिन किया है और जो कि मेरे ट्विटर अकाउंट से इतने सारे एप्लीकेशन लिंक है। अगर मैं इनको जानता नहीं हूँ तो मुझे इनको निकाल देना चाहिए क्योंकि यह हमारे डेटा को हार्म पहुँचाता है, हमारा डेटा चोरी कर सकता है। तो यहाँ पे क्लाउड फायर ऐप है, इसको मुझे निकालना है। मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपना डेटा इसको नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे रिवोक एसेस करके है, मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा वैसे यहाँ पे लिख दिया अंडो रिवोक एसेस। तो इसको अब भी करूँगा तो वापस हट जाएगा और मैं बैक लेता हूँ। जैसे बैक लेके वहाँ पर रिफ्रेश करूँगा वहाँ पर देख सकते हो वहाँ से वो गायब हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से निकल चुका है। इसको अनफॉलो पर ट्विटर, इसको भी मैं निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसको बैक लेके एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जो यहाँ पे देखो अमेजन का, इसको मैं रिवोक करता हूँ, बैक लेता हूँ
उसके बाद फिर वापस जाता हूँ। जो मैं एप्लीकेशन कंटिन्यू यूज़ करता हूँ मैं उसको ही रखूँगा, बाकी जो यूज़ नहीं करता हूँ उसको मुझे नहीं रखना है, ताकि मुझे अपना डेटा सिक्योर रखना है। मैं हमेशा चाहूँगा मेरा डेटा कोई और ना यूज़ कर पाए, तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। यहाँ पे हेलो इंडिया का ऐप है जिसको मैंने डाउनलोड किया था, उसको अपने ट्विटर से ऑथराइज़ किया था, यहाँ पे उसका दिखा रहा है, तो यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे फेसबुक और ट्विटर मेरा लिंक है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा। अब इसके बाद बात करूँगा सेशन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो कई सारे सेशंस हैं, कहाँ कहाँ मैंने लॉग इन किया है, कब कब लॉग इन किया है। तो मोस्टली मैं हर सेशन को निकाल दिया यहाँ से। अगर आपके यहाँ पे मेरा जो करंट एक ही डिवाइस दिखा रहा है वीवो का, जो कि मेरा मोबाइल है, जहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्टिव नाउ करके है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको 3-4 और ऐसे दिखा रहे हैं सेशन, तो आप उसको लॉग आउट कर दो, जो एक्टिव ना हो है उसको ही लॉग इन रखो। उससे क्या होता है कि उससे यह पता चलता है कि मेरा मोबाइल जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वहीं पे लॉग इन है, बाकी और कहीं पे मेरा अकाउंट लॉग इन नहीं है। तो अगर प्राइवेसी की ध्यान रखें तो यह चीज़ आपको अपने ट्विटर में अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो आप अपना डेटा और अपनी प्राइवेसी को खो सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, अगर कुछ भी हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कुछ पूछना या कुछ सवाल आपको भी बाकी रहे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो। इसी प्रकार के और सारे वीडियो आपको पाना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करो, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जो निकले वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।